यहाँ पर आप एक वर्टिकल हॉर्निंग मशीन देख रहे हैं, और ये हॉर्निंग और पॉलिशिंग दोनों में काम आती है। और ये देख सकते हैं नीचे इसमें अरेंजमेंट है अंडरग्राउंड, जिसमें आपको जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसके अंदर हॉर्निंग करना है उसको क्लैंप किया जाता है। और देख सकते हैं नीचे आप किस तरह से क्लैंप लगे हुए हैं। और ये नीचे हाइड्रोलिक ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल जो आप डालते हैं ऊपर से, वो नीचे कलेक्ट होता जाता है। ये आप हॉर्निंग का शाफ्ट देख रहे हैं, और इस शाफ्ट के एंड पे हॉर्निंग का टूल लगा होगा, और ये कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन देना पड़ता है आपको, जैसे फ्रिक्शन कम हो और एक तरह से जो हीट डिसिपेट होती है, हीट जनरेट होती है, वो डिसिपेट हो सके। इसमें ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट ये रोटेट होती है, और ये वर्टिकली अप एंड डाउन भी मूव करती है। तो आप यहाँ पे ऊपर सेटअप देख सकते हैं, मोटर है, मोटर से गियर बॉक्स में पावर आ रहा है, और उस गियर बॉक्स से ये शाफ्ट रोटेट हो रही है। और ये वर्टिकली अप एंड डाउन जो मूव कर रहा है वो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, उसकी वजह से वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ये जो पिलर देख रहे हैं ये बेसिकली गाइडवेज हैं, जिनके ऊपर ये जो पूरा मोटर और ये सिस्टम है ये मूव कर रहा है। बीच में जो आप देख रहे हैं पिस्टन रॉड है, जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर से कनेक्टेड होगी, उस ये पिस्टन रॉड की वजह से ही ये पूरा सिस्टम वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ये देख सकते हैं ऊपर जॉइंट वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे गियर बॉक्स के बाद। और हॉर्निंग एक फिनिशिंग प्रोसेस होता है, जैसा कि मालूम होगा आपको, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर आपको क्योंकि पिस्टन का मूवमेंट रहता है तो स्मूथली मूव हो, तो वहाँ पे जो सरफेस है वो परफेक्टली स्मूथ होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच से ये डिसाइड होता है कि पिस्टन मतलब कितनी लिमिट तक ये मूव करेगा। ये आप हाइड्रोलिक जो सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर इसमें अंडरग्राउंड में जो लगा हुआ है वो हाइड्रोलिक सिलेंडर मैंने दिखाया है यहाँ पे। और इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को ऑपरेट कराने के लिए, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर इसको ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पे पावर पैक लगा हुआ है। पावर पैक में आप देखेंगे एक मोटर लगी हुई है, इस मोटर से इसके नीचे पंप लगा होता है, जनरली गियर पंप या बैन पंप लगा रहता है, उस बैन पंप को रोटेट कराते हैं जो कि आपका प्रेशर जनरेट करता है। फिर उसके बाद जो फ्लूड है वो यहाँ पे, ये आप पैनल वगैरह देख सकते हैं, प्रेशर गेज है जो कि प्रेशर की रीडिंग बताता है। और इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, और ये सोलेनोइड ऑपरेटेड आप देख सकते हैं, इसमें दो सोलेनोइड लगे रहते हैं, ये किस तरफ है दोनों तरफ, तो ऊपर नीचे मूव कराने के लिए। तो ये लाइट जल रही, इसका मतलब वो वाला पोर्शन एक्टिवेट होगा। अभी ये यहाँ से जो ऑयल टैंक है, ऑयल टैंक से इस तरह से ऑयल आता है, ये प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल और आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, यहाँ से फिर ये दो लाइन जा रही हैं। ये दो लाइन बेसिकली कनेक्टिव होंगी हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और नीचे वाला, पिस्टन के मतलब दोनों तरफ से जो ऑयल जाता है उसके लिए ये लाइनें जा रही हैं। ये देख सकते हैं एक ये लाइन नीचे गई है जो कि आपका पिस्टन के नीचे वाले हिस्से को कनेक्टेड होगी, मतलब पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। और ये दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, ये पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करने के लिए, मतलब वर्टिकली डाउन जाने के लिए ये वाली लाइन है, और वर्टिकली अप के लिए वो अभी जो लाइन दिखाई थी वो लाइन है। ये पिस्टन रॉड है, इस पिस्टन रॉड से आपका ये पूरा सेटअप अटैच रहता है। ये पूरा सेटअप अटैच रहता है जो कि अप एंड डाउन मूव करता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं, जो SS का सिलेंड्रिकल शाफ्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली गाइड रॉड का काम करती हैं। ये जो ऊपर मोटराइज वो सिस्टम है उसको वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कराने में गाइड करते हैं, ये देख सकते हैं। ये दिखाया है मैंने, ये आप देख सकते हैं पूरा किस तरह का सेटअप है। ये मोटर वगैरह, मोटर और गियर बॉक्स किस तरह से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, आप देख सकते हैं बेल्ट ड्राइव के थ्रू, बेल्ट ड्राइव से फिर गियर बॉक्स जो कि आपका RPM को रिड्यूस करता है। और इस तरह से ये आप देखेंगे अभी टूल निकल के आएगा, ये क्लैंप वगैरह आप देख रहे हैं 22 में किस तरह से आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर क्लैंप रहता है, ये टूल निकल के आया। ये आप पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, हॉर्निंग करते हैं, हॉर्निंग के बाद आप पॉलिशिंग भी परफॉर्म करते हैं, हॉर्निंग और पॉलिशिंग के लिए दोनों अलग अलग टूल यूज़ होते हैं।
ये आप अब्रेसिव के पेपर देख रहे हैं, जिस पेपर जिसके ऊपर अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये एज अ टूल यूज़ होते हैं हॉर्निंग प्रोसेस में। मतलब जो हॉर्निंग का टूल होता है उसके ऊपर इसको रैप कर दिया जाता है, फिर वो आपका स्मूथनेस का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है, ये इस तरह से इसके ऊपर। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।